नमस्कार दोस्तों, जी के सूर्य चौधरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं और राजस्थान के इतिहास की क्यों महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं और इन क्वेश्चनों से संबंधित जो इतिहास में बार बार परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, जो पहला प्रश्न है, मेवाड़ के किस महाराणा ने नाथ द्वारा द्वारिकाधीश के मंदिर का निर्माण करवाया? तो ऑप्शंस हैं राज सिंह, जय सिंह, माधो सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मेवाड़ के महाराणा जो थे उनमें से द्वारिकाधीश का जो मंदिर का निर्माण करवाया था वो राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? राजस्थान का शिमला ऑप्शंस देखेंगे, जयपुर, उदयपुर, आबू और आमेर। तो राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं दोस्तों? माउंट आबू को कहा जाता है। ये माउंट आबू राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है। साथ ही साथ दोस्तों सिरोही के बारे में और भी प्रश्न है। ये एक ठंडा जिला भी वो माना जाता है जो राजस्थान का सबसे ठंडा जिला है। और दोस्तों माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? माउंट आबू सिरोही में होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रवेश द्वार यानी कि जो राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं अजमेर, जयपुर, जोधपुर और भरतपुर। तो दोस्तों जो राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो कहा जाता है भरतपुर जिले को। जो भरतपुर है वो राजस्थान का प्रवेश द्वार है। और दोस्तों साथ ही साथ बता दूं एक और प्रवेश द्वार आता है जिसे कहते हैं थार का प्रवेश द्वार। जो थार का जो प्रवेश द्वार है वो कहा जाता है दोस्तों किसे? जोधपुर को। थार का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है और राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर जिले को। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहलाती है, यानी जो शेखावाटी है जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू तीन जिले आते हैं, इसमें उसकी स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? चूरू को, सीकर को, खेतड़ी को और नवलगढ़ को। तो शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहलाती है नवलगढ़, जो कहाँ पड़ता है दोस्तों? झुंझुनू में। कहाँ पड़ता है? झुंझुनू जिले में पड़ता है और इसे कहते हैं शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। बाकी अगर शेखावाटी का हृदय की बात करें तो शेखावाटी का हृदय दोस्तों सीकर को कहा जाता है और सीकर राजस्थान का सबसे हाईटेक जिला है। इसकी आकृति अर्धचंद्राकार पाले के नुमा है, जो पाला होता है प्याला उसके नुमा है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है थार का प्रेस द्वार। अभी क्वेश्चन मैंने आपको आंसर बताया भी था इसका, अभी आ गया थार का प्रवेश द्वार और सूर्य नगरी मरु प्रदेश कहलाता है, यानी कि जिसे सूर्य नगरी कहते हैं, सन सिटी कहते हैं, थार का प्रवेश द्वार कहते हैं किसे कहते हैं दोस्तों? जोधपुर को कहते हैं, राव जोधा के द्वारा बसाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है। राजस्थान में एक संप्रदाय 13 पंथी है, यह किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों एक संप्रदाय है 13 पंथी। अब ये 13 पंथी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हिंदू से, बौद्ध से, जैन से और वैष्णव से। तो दोस्तों 13 पंथी संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से क्या है संबंधित? 13 पंथी संप्रदाय। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सूरज प्रकाश के रचयिता हैं, यानी कि दोस्तों ग्रंथ है सूरज प्रकाश, उसकी रचयिता कौन है? ऑप्शन हैं उभय सिंह, सूर्यमल मिश्रण, पृथ्वीराज राठौड़ और करणी दान। तो दोस्तों जो सूर्य प्रकाश है उसका जो लेखक है वो कौन है? करणी दान है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। राजस्थान में मीराबाई का मंदिर कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन देखेंगे चित्तौड़, उदयपुर, नाथद्वारा और अलवर। दोस्तों राजस्थान में मीराबाई के तीन मंदिर हैं, 1, 2 और 3। तो पहला मंदिर है दोस्तों वो तो है कुड़की नागौर में, ठीक है, और दूसरा मंदिर है जो है वो है दोस्तों जयपुर में, ठीक है, तीसरा मंदिर वो कहाँ पे है? चित्तौड़ में। तो दोस्तों यहाँ जयपुर और नागौर या कुड़की ऑप्शन में नहीं दे रखा, चित्तौड़ दे रखा है। तो मीराबाई का मंदिर कहाँ पे है? चित्तौड़ जिले में। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। बनी ठनी चित्र जिसे भारतीय मोनालिसा कहते हैं किस चित्रशैली में है? बूंदी, किशनगढ़, देवगढ़ और अलवर। तो दोस्तों बनी ठनी से सीधा संबंधित कौन सा है? किशनगढ़, जो कहाँ है? अजमेर में, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। किसने
गिद्ध नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? मारवाड़, मेवाड़, कोटा बूंदी और शेखावाटी। तो दोस्तों जो गिद्ध नृत्य है वो कहाँ का है? शेखावाटी क्षेत्र का है। गिद्ध के साथ साथ एक नृत्य और है यहाँ पे, कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, ठीक है। और एक चंग भी याद रख लेना, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अपने चैनल है जी के सुरेश चौधरी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, पास में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।